हे हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में। और आज इस वीडियो में मेरे साथ है दीपक। दीपक सीएमए इंटरमीडिएट क्वालिफाइड है और इनका सिलेक्शन एचएसबीसी में एज ए सीएमए ट्रेनिंग हुआ है। इसके अलावा इनकी दो तीन कंपनीज में और भी सिलेक्शन हुआ है। तो आज ये अपनी स्टोरी बताने वाले हैं कि किस तरीके से इन्होंने अप्लाई किया और इनका सिलेक्शन हुआ। सो हाय दीपक, कैसे हो आप? हाय भैया, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? Yeah, I'm also good. So, Deepak, where are you from? Me from Gaya. Basically, मैं मतलब मेरा स्टडी पूरा बचपन गांव से गुजरा है, लेकिन फर्दर एजुकेशन के लिए गया सिटी मूव किया, गया से पढ़ा हूँ, फिर ट्वेल्थ गया से ही किया हूँ। इंटरमीडिएट मैंने कुछ एक दो महीने दिल्ली भी किया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं फिर सारा क्लासेस ऑनलाइन घर से गया, घर से ही किया हूँ। ओके, सो बेसिकली आप मतलब किस आपकी फैमिली, आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है? मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर हायर क्लास फैमिली से? हम लोग मतलब मिडिल से भी सबसे लो क्लासेस से बिलोंग करते हैं बोलेंगे तो। मेरे पिताजी एक छोटे से बर्तन का दुकान है। अच्छा। मेरी दादी अभी हाल ही फिलहाल ही गुजरी है, जो मतलब एक मंथ भी नहीं हुआ मेरा मतलब रिजल्ट निकला और 10 दिन बाद मेरी दादी गुजर चुकी है। फिर मतलब मेरा कंडीशन बेसिकली जो इतना मतलब इतना खराब है, हम खुद फुटपाथ पे बैठकर ये सब जो बेचने वाला काम होता है, ये मतलब नारियल वगैरह बेचते हैं। मेरा पूजा पाठ का दुकान भी है, तो पूजा पाठ ये सब भी हम लोग किया करते हैं। हम लोग मतलब जो भी है, हम लोग सारा पापा भाई, हम लोग जो भी सौरभ भैया वो भी है, सब हम लोग ये सब भी काम किए। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें हेजिटेशन है, अभी भी हम लोग को मौका मिलता तो ये सब हम लोग काम करते हैं। मैं आप लोग को बता दूं, दीपक का जो भाई है सौरभ, वो भी सीएमए कर रहा है एंड उसने भी सीएमए इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया है। उसने आईओसीएल से ट्रेनिंग की है एंड अभी वो फाइनल में है। तो बहुत मतलब सुन के लगा कि हाँ यार, मतलब इतने मतलब आप काफी कुछ लाइफ में स्ट्रगल फेस करते हो और उसके बावजूद आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं और इतना एफर्ट कर रहे हैं और आप खुद के लिए भी इतना एफर्ट कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। सो दीपक, आपने सीएमए कोर्स तो आपने आपके भैया ने सजेस्ट किया होगा कि आप वो कर रहे थे तो आप ज्वाइन करो। सो बट आप जब सीएमए कोर्स में आए तो उससे पहले आपका 10th 12th का एकेडमिक कैसा रहा? 10th मैंने अपने गांव से किया, सेंट थॉमस इंग्लिश स्कूल से किया। उसके बाद फिर मैं गया, मूव किया, गया से मैंने 12th किया। यहां अग्रवाल कॉमर्स कोचिंग है, वहीं से मैंने 12th किया और अच्छे नंबर से मतलब गया कॉलेज में 8th रैंकर भी आया 12th में। और उसके बाद फिर मैंने सीएमए फाउंडेशन के लिए एग्जाम दिया, सीएमए फाउंडेशन यूएसएस से पास हो गया। जो फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम था सीएमए फाउंडेशन का, उसमें मैं मतलब एक पहला अपॉर्चुनिटी था जिससे मतलब ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसी में मैंने पास भी हुआ। उसके बाद सीएमए इंटरमीडिएट दिया, दोनों एक ग्रुप सिंगल करके वो भी पास हो गया। एक मिनट, आपने जो सीएमए फाउंडेशन बाय सेल्फ स्टडी की थी या फिर आपने क्लासेस लिया? नहीं, सीएमए फाउंडेशन सेल्फ स्टडी से ही की थी। अच्छा, सेल्फ स्टडी करके क्या? ओके, ओके। सो आप कॉमर्स से थे बेसिकली, तो मैथ के सब्जेक्ट में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए थे या फिर आप पहले से प्रिपेयर्ड थे? 10th तक तो मैथ से मुझे प्यार था। अच्छा, लेकिन जो साइंस के वजह से मैंने साइंस चूज सेलेक्ट नहीं किया, नहीं तो मैं 11th 12th भी साइंस से ही पढ़ता। जो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री था उसमें वीकनेस थी, लेकिन मैथ्स से मुझे प्यार था अभी तक से है, जिसके वजह से थोड़ा सा आगे मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं हुआ। ओके, सो आफ्टर दैट आपके फाउंडेशन में कितने मार्क्स आए थे? 273। ओके, 273। देन आपने फिर इंटरमीडिएट 1x1 दिया, तो आप अब अपने इंटरमीडिएट के बारे में बताओ, आपने क्लासेस किया था या बाय सेल्फ की थी इंटरमीडिएट? मैं क्लासेस किए, मैं इंटरमीडिएट क्लासेस लिया था, ग्रुप 1 का क्लासेस भी लिया था, ग्रुप 2 का क्लासेस, कुछ सीएमए फाइनल का जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका ही आईडीटी, जो भैया पढ़ रहे थे सीएमए फाइनल का आईडीटी, तो उसका ही क्लास प्रियंका सक्सेना क्लासेस का मैंने आईडीटी लेके वही भैया वाला क्लास ही आईडीटी का पढ़ा था। कंपनी कंसोलिडेट ये खुद से किया था, और कोस्ट एंड एफएम भी ओएमएस मैंने खुद से किया था, कोस्ट एंड एफएम का भी क्लासेस लिया था, ग्रुप 1 का फाइनेंशियल अकाउंट्स का भी क्लास लिया था, फिर कोचिंग का भी क्लास लिया था, डीटी का भी क्लास लिया था और लॉ का भी क्लास लिया था। सिर्फ दो पेपर का सेल्फ स्टडी था, कोस्ट एंड एफएम, कंपनी कंसोलिडेट और ओएमएस। ओके, सो देन आपने 1x1 ग्रुप दिया, तो आपके कितने मार्क्स आए थे उसमें इंटरमीडिएट में? ग्रुप 1 में आया 229 और ग्रुप 2 में आया 200 एग्जैक्ट। ग्रेट, देन आप ट्रेनिंग के लिए फिर आपने किस तरीके से जॉब ट्रेनिंग सर्च करना स्टार्ट किया, क्योंकि पहला इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप किस तरीके से ट्रेनिंग सर्च करते हो?
जिस वक्त रिजल्ट आया था ना, 27 सितंबर को रिजल्ट आया था, और 31 तक एनटीपीसी या ओएनजीसी का आया हुआ था वैकेंसी ट्रेनिंग के लिए। ओके, तो मैंने वो 2-3 दिनों में उसका पहले अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक उसका ना मेल आया ना कुछ भी, किसी का भी नहीं हुआ। फिर ये हुआ, और उसके बाद फिर 1 से 12 अक्टूबर तक भेल का भरना था, जो बेंगलुरु का भेल था, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL का। तो उसमें हुआ था कि वाकिल इंटरव्यू था, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन 12 को इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे तो मैं बेंगलुरु जा नहीं पाया, और 10 को कॉल किए तो 12 को 10 बजे पहुंचना था, और यहाँ से गया से बेंगलुरु का है जो 3 दिन लग जाता है ट्रेन से, बाय ट्रेन जाने में, तो पॉसिबल नहीं हुआ। तो फिर उसका भी इंटरव्यू, मतलब पहला सिलेक्शन तो था भेल में, तो वो भी इंटरव्यू नहीं दे पाए। तो उसके बाद फिर HSBC का फिर लिंक्डइन प्रोफाइल खोले, बनाए, लिंक्डइन का भी सजेशन मिला था, लिंक्डइन का भी प्रोफाइल बनाए, और फिर उसमें आया था HCL करके आया था, उसमें गूगल फॉर्म था, गूगल फॉर्म भी और भी आए थे, जिसे मैं पावर ग्रिड का भी अभी तक भरा हुआ हूँ। फिर एक ठो जो पोर्ट का आया हुआ था, मुंबई पोर्ट का, उसमें भी ऑफलाइन भेजना था डॉक्यूमेंट, मैंने उसको भी भेज दिया था, क्योंकि पहले वो ये HSBC से पहले हमको सब करना था, उसमें था 13 या 17 तक डेट था, 17 अक्टूबर तक डेट था इसका, 17 नवंबर या 17 अक्टूबर तक डेट था। तो उसमें भी मैंने अप्लाई किया, तो उसके बाद फिर HSBC में आया, इधर लिंक्डइन पे प्रोफाइल मैच करते करते आ गया, फिर इधर फॉर्म भरा, उसके बाद हुआ ये सब। तो आपने जब HSBC में आपने किस टाइप के इंटरव्यू प्रिपरेशन किए थे? इंटरव्यू तो अचानक हुआ था, क्योंकि 2 दिन पहले आया कि आपका रिजेक्शन हो गया, आपका शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। Okay. तो हम इग्नोर कर दिए, फिर हम आगे फर्दर मूव कर रहे थे कि हमको ये प्रज्ञावान में मेरा हो चुका था, तो प्रज्ञावान तरफ हमको जाना था। तो फिर हम, लेकिन उसमें भैया का सजेशन ये था कि हम, वो बोले कि अच्छा कंपनी है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लो, और भी पावर ग्रिड में इस समय हो जाएगा, वो जानते थे कि इस समय हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि तुम 20 दिन को टाइम दे दो, 1 दिसंबर को। मैंने मेल भी कर दिया कि मैं 1 दिसंबर से कंपनी ज्वाइन कर लूंगा, मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह भी भेज दिया था प्रज्ञावान लिमिटेड में। अच्छा, तो प्रज्ञावान वाले बोले, वो लोग तो एश्योर हो गए थे। तो फिर इधर इधर बीच में HSBC आया गया लाइन में, तो 7 तारीख को तो मैंने उसका आया था कि आप रिजेक्शन हो गया, तो फिर 10 को इंटरव्यू हुआ HSBC में 10 को इंटरव्यू हुआ, 13 को असेसमेंट टेस्ट हुआ, ये भी क्लियर हो गया, 13 के बाद 15 को डॉक्यूमेंटेशन कॉल हुआ, वो भी क्लियर हो गया, और 18 को मेरा ऑफर लेटर आ गया HSBC में। ओके, तो उन्होंने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे और क्या जॉब रोल वो आपको दे रहे हैं, कुछ इसके बारे में उन्होंने बताया? और फंड अकाउंटिंग रोल है, फंड अकाउंटिंग का पोजीशन है, उसमें रोल है सिक्योरिटी सर्विस का। ओके, और जो इंटरव्यू के टाइम में जो क्वेश्चन पूछे थे, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, NAV कैलकुलेशन, फिर ये पूछे थे जो बेसिक जनरल एंट्री, एडवांस एंट्री, प्रीपेड से रिलेटेड, आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड, फर्नीचर का आपका बिजनेस है, आपने फर्नीचर सेल कर दिया, फर्नीचर का बिजनेस नहीं है, फर्नीचर आप यूज कर लिए बिजनेस में, ये सब जनरल एंट्री, ऐसे बेसिक जनरल एंट्री थे, और एक दो जनरल क्वेश्चन। ओके, सो अच्छा, इंटरव्यू हिंदी में हुआ था या इंग्लिश में? टोटली इंग्लिश में हुआ था, टोटली इंग्लिश। आज तक एक भी इंटरव्यू हिंदी में नहीं हुआ, जो प्रज्ञावान वाले भी, तो वो भी इंग्लिश में, एक भी इंटरव्यू हिंदी में नहीं हुआ। प्रज्ञावान के भी थोड़ा सा बताओ, आपने उसमें किस तरीके से अप्लाई किया था और क्या इंटरव्यू का क्वेश्चन था? प्रज्ञावान लिमिटेड वाले में, जो भाटा टेक प्रज्ञावान लिमिटेड है, उसमें ना हुआ था, ये इंस्टीट्यूट के साइड पर से दिया हुआ, अभी भी तक से है। Okay. उन्होंने उसमें मैंने मेल किया था, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू के लिए अचानक कॉल किया, तो 1 घंटे का टाइम दिया कि आप 1 घंटे में आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाइए, जो इंटरव्यू आपका एक CA ले रहे हैं, CA ये रोशन सर में कुछ नाम था सबका। okay. तो उन्होंने लिया, फिर इंटरव्यू हो गया, उन्होंने उसी टाइम बोल दिया था कि आपको ऑफर लेटर 1-2 दिन में पहुंच जाएगा, जो आपका सिलेक्शन हो गया। अच्छा, तो ये जो आपका ट्रेनिंग में वहाँ पे भी सिलेक्शन हुआ, यहाँ पे भी सिलेक्शन हुआ, देन यहाँ पे अभी आपको क्या स्टाइफन इन्होंने ऑफर किया है HSBC में? ये HSBC में स्टाइफन 15,000 पर मंथ है। ओके, और अभी आपको कहाँ से काम करना होगा, मतलब आप घर से काम करोगे या फिर जाकर? वर्क फ्रॉम होम है फर्स्ट 6 मंथ के लिए। ओके, एंड देन आपको वहाँ पे मूव करना होगा आफ्टर 6 मंथ्स। तो हेड, इसका लोकेशन कोलकाता है? हेड लोकेशन कोलकाता ऑफिस। ओके ओके, अच्छा, आप कुछ स्टूडेंट्स को सजेशंस देना चाहते हो रिगार्डिंग CMA ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, तो उन्हें क्या करना चाहिए जिससे उन्हें ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी मिल जाए? जैसे आपने कब स्टार्ट किया था ट्रेनिंग सर्च करना? जस्ट रिजल्ट के बाद, जस्ट
इट मीन्स अक्टूबर, 1 अक्टूबर से आपका स्टार्टिंग हो गया था और अभी नवंबर के मिड में हम लोग है, और आपको आपके पास 2 ऑलरेडी ऑफर लेटर आ चुके थे ट्रेनिंग के लिए, यानी 45-50 डेज में आपको ट्रेनिंग मिल सकता है। नहीं, ट्रेनिंग ऐसे तो हम बोल सकते हैं, मेरे को फॉर्म में 10 दिन में ही आ गया था। जैसे कोई लक्ष्मी नगर का फॉर्म है उसमें स्टाइपेंड के लिए, फिर कोलकाता का फॉर्म है वो भी, उसमें भी कॉल आ गया था। मतलब फॉर्म का कॉल रेगुलर बेसिस पे आ रहा था, लेकिन स्टाइपेंड कम दे रहा था और मेरे को फॉर्म में करना ही नहीं था, इसलिए मैं इंडस्ट्री तरफ मूव कर रहे थे। फॉर्म का थोड़ा है कि जल्दी प्रोसीजर हो जाएगा ना, इंटरव्यू लेंगे, बस आपका रिज्यूमे देख के शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, ऐसा था। लेकिन कोई कोई रेप्यूटेटेड फॉर्म है जो अभी इंटरव्यू के लिए कोलकाता, जैसे कोलकाता में एक और कोई CMA करके सर थे, वो बुला रहे थे कि आप आइए कोलकाता में तो इंटरव्यू के लिए। एक और कोलकाता में इंटरव्यू के लिए बुला रहा था जो IVF फर्टिलिटी है, इनवर्टर फर्टिलाइजेशन करके कंपनी है, तो उन्होंने भी कॉल किया था कि आपका इंटरव्यू है। तो मैं जा रहा था अभी कोलकाता, लेकिन कुछ ट्रेन टिकट ना मिलने की वजह से मैंने मेरा इंटरव्यू कैंसिल करवा दिया, वहाँ भी मेरा कैंसिल हो गया। ओके आपका सजेशन क्या है स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग ट्रेनिंग, किस तरीके से उन्हें सर्च करना चाहिए? ट्रेनिंग ये मतलब इंस्टीट्यूट के साइट पे भी देखते रहना है, और जो टेलीग्राम, एक दो टेलीग्राम है जिसमें वैकेंसी अलर्ट आते रहते हैं, और लिंक्डइन पे, तो मैं तो बोलूंगा कि लिंक्डइन पे कनेक्ट करें, जैसे बेल के एम्प्लॉय है और भी, मतलब HSBC का भी एम्प्लॉय है और भी जो अदर कंपनी है, IOCL है, NTPC है, इसमें वैकेंसी आते रहते हैं। आप उनके एम्प्लॉय से कनेक्ट कीजिए, उनके पास रिज्यूमे, अगर आपके पास पॉसिबल टाइम है तो उनके पास शेयर कीजिए, जैसे मैंने आपके पास भी शेयर किया था, आपने भी कुछ लिंक्डइन पे शेयर किया था। इस तरह से शेयर करने से आपका रिज्यूमे शेयर होता है और जल्दी होता है कि हाँ, उन लोगों को भी जरूरी होता है, जो एम्प्लॉयर लोग होते हैं उन लोगों को भी ट्रेनिंग के लिए जरूरत होता है, लेकिन सही बंदा नहीं मिल पाता, इस तरह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। राइट सो बेसिकली फोकस्ड होके, अगर आप फोकस्ड होके 30-40 डेज टाइम देते हो तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, बट आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, पेशेंस लेवल थोड़ा सा मॉडरेट करके रखना होगा। थैंक यू दीपक, सो होप सो कि आप जल्दी से फाइनल भी क्वालिफाइड करो एंड HSBC में आपकी जर्नी अच्छी रहे, एंड बेसिकली आपको काफी अच्छा प्रोफाइल मिला है रिलेटेड टू फाइनेंस है। अगर आप यहाँ पे काफी अच्छे से अपना टाइम दे के चीजें अगर सीखते हो तो फ्यूचर में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको। HSBC में ये भी है कि CMA इंटर्न को जल्दी रखते नहीं है, जो भी होते CA इंटर्न को रखते हैं। राइट जो भी है आज तक, जो मैंने टेलीग्राम पे जो भी और भी कनेक्ट हुए HSBC के, वो सारे लोग CA तरफ से मूव कर रहे हैं, CA इंटर क्वालिफायर, CMA इंटर में पहला लड़का हूँ जो HSBC की तरफ मूव कर रहा हूँ। Great. मैंने UBS में भी इंटरव्यू दिया, इंडियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में, उन्होंने ट्रेडिंग का डिपार्टमेंट था लेकिन मेरे उसमें इंटरव्यू सिलेक्शन हो नहीं पाया। अच्छा, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू UBS में ही था। अच्छा चलो, बट ऑलमोस्ट सब अच्छा हो रहा है, ठीक है, ऐसे CMA इंस्टीट्यूट एंड बिहार का नाम रोशन करते रहो, ठीक है, फिर से हम मिलेंगे। हाँ, फिर से मिलेंगे जब CMA फाइनल कंप्लीट हो जाएगा एंड तुम्हें कैंपस प्लेसमेंट होगा, फिर हम कैंपस प्लेसमेंट की वीडियो बनाएंगे। थैंक्स, बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।